देखिए, बिहार में हो रहे विशेष सर्वे को लेकर के, बंसावली को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंसावली आपको कैसे बनाने हैं और अब बंसावली आपको किस लेवल पे बना के देने हैं, ताकि आपको सर्वे में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगर ये आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको किसी तरह की बंसावली को लेकर के डाउट्स आपके अंदर नहीं रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक आपने मेरे चैनल को और आप मेरे पेज को फेसबुक पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो नहीं किया तो फिर फॉलो करना नहीं भूलें। ये वीडियो अगर आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं आपको एक ये नोज कटिंग के माध्यम से। आप देखेंगे सर्वे, इसमें जमीन सर्वे को लेके मामले में मत हो परेशान, बंसावली में शपथ पत्र की जरूरत नहीं। पहला हमें ये न्यूज़ कटिंग देखने को मिलता है। दूसरा न्यूज़ कटिंग ऐसे ही हमारे यहाँ पे सर्वे टीम के जो विपिन कुमार जी हैं उनके माध्यम से यहाँ पे एक न्यूज़ कटिंग देखने को मिलेगा। खुद बनाकर देना होगा बंसावली प्रमाण पत्र। विपिन कुमार जो ये हमारे सर्वे से संबंधित जो हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उच्च वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो विपिन जी हैं, वो बंदोबस्त के पदाधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि स्व घोषणा पत्र के अलावा ये बंसावली खुद से बनाकर देना है। बंसावली प्रमाण पत्र पर बनने के लिए अंचल कार्यालयों, सरपंच कार्यालयों या अन्य कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक और न्यूज कटिंग दिखा देता हूँ। ये है आम सूचना जो कार्यपालक दंडाधिकारी के तरफ से ये निर्देश दिया गया है। सर्वे पदाधिकारी कर्मी के अनुसार सर्वे कार्यों हेतु स्वयं द्वारा निर्मित बंसावली प्रस्तुत किया जाना है। बंसावली के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी का शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है, अतः सर्वे कार्य के लिए बंसावली हेतु शपथ पत्र इस कार्यालय से अगले आदेश तक निर्गत नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये न्यूज़ कटिंग आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देखेंगे 8 अगस्त 2024 की न्यूज़ ये है, और मैं एक और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जमीन सर्वे आप खुद से बनाए बंसावली दस्तावेज के लिए जमीन की घोषणा करें। सेम एज आप ये विशेष सर्वेक्षण जो हर एक पंचायत में जो आम सभा या ग्राम सभा जिस लेवल पे हुआ है सर्वे को लेकर के, इस शिविर में ये आपको प्रपत्र आपको देखने को मिले होंगे, ये पर्चा आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी में हम आएंगे, यहाँ पे आपको साफ साफ इसमें भी आपको पहले हर एक शिविर में जो भी शिविर लगा हुआ है, चाहे उसमें कानून को आपको बताए होंगे, आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल गए होंगे, चाहे वो अमीन सर्वेयर होंगे, उन सभी लोगों के भी माध्यम से जो है बताए गए हैं कि आप जो है बंसावली स्व अभिप्रमाणित अपने अपने एक सादा पेपर पे स्केच करके दे सकते हैं। इसमें साफ साफ दर्शाया गया है, देख सकते हैं, अपनी बंसावली प्रपत्र 3 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करें। आम सभा में उपस्थित रहकर बंसावली सत्यापन में सर्वेक्षण कर्मियों की मदद करें। अब इन बातों को दिखाने का मेरा मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो ये फॉर्म भर करके आप जो है अपने पंचायत में सरपंच के पास जा कर के बंसावली बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इस बंसावली को बनाने के नाम पे आप आम जनता सबको बहुत सारे दिक्कतें करने पड़ रही है। जैसे इस जा रहे हैं तो इस शपथ पत्र को आपसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जैसे ये 6 पेज का PDF आपको देखने को मिल जाएगा, 6 पेज का ये फॉर्म आप अगर आप ले रहे हैं तो आप इस बंसावली प्रपत्र को लेकर के आप परेशान हो जा रहे हैं। जैसे ही आपके सामने अगर इस पेज फॉर्म को लेंगे तो आप, मतलब आम जनता जैसे इस फॉर्म को देख रही है तो परेशान हो जा रही है। आपको बता दूं कि इस फॉर्म की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इस फॉर्म के माध्यम से कोई बंसावली हमें संलग्न नहीं करने हैं। ये फॉर्म मानते हैं कि कुछ दिन पहले पंचायत अधिकारियों की तरफ से, पंचायत कार्यालयों की तरफ से निर्गत किया गया था लेकिन ये जो है प्रपत्र हमें किसी भी लेवल पे बंसावली के नाम पे हमें नहीं भर के देने हैं। इस फॉर्म का हमें कोई काम नहीं है। अब ग्राम यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, कार्यालय ग्राम कचहरी, बहुत ही विधिवत तरीके से ये फॉर्म जो है वायरल हो रहा है, और ये फॉर्म को भर करके ग्राम कचहरी में जमा करके सरपंच, जो हर पंचायत के सरपंच है, उनको दिया जा रहा है, और इस पंचायत सरपंच की सहायता से ये बंसावली बन के मिल रहा है। जो पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत जो सरपंच होते हैं उनके तरफ से ये बना के मिल जा रहा है। इस आड़ में लोगों को नहीं होता है कि लोगों को काफ़ी लेवल पे ठगी की जा रही है।
कई लोग ऐसे हैं जो दलालों के काम करके पैसे की होड़ लगा करके पैसे लोगों आम जनता से पैसे की डिमांड करके इस वंशावली को मांग करके दे रहे हैं। इसी सब को देखते हुए ये मैंने जो आपको न्यूज़ कटिंग तमाम सारे दिखाए, ये न्यूज़ कटिंग के माध्यम से जो लोगों को बताया गया कि ये जो वंशावली हैं इस तरह की आपको वंशावली नहीं सबमिट करने हैं, आपको सिंपली करने क्या हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये प्रपत्र जो सबमिट करने हैं, पहला हमें सर्वे को लेकर के प्रपत्र टू भरने हैं। जो प्रपत्र दो हमें ये देखने को मिल रहा है, ये प्रपत्र दो हमें भरने ही भरने हैं, चाहे वो खतियानी ज़मीन हो, चाहे वो हमारा आम बैनामा खत्मी हो, सबको ये प्रपत्र भरना ही भरना है। अब यहाँ पे बात आती है प्रपत्र के साथ साथ वंशावली किनका लगेगा, तो वंशावली हमें उस व्यक्ति का लगेगा जो मान लेते हैं हमारा जो है ज़मीन है, एक कोई ज़मीन है जो हमारा खतियानी हमारे पूर्वजों के नाम से दर्ज है, तो उसमें वंशावली देना है। और वैसे में भी वंशावली देना है जो हमें हमारी ज़मीन खरीदी हुई है, हमारे दादा के नाम से खरीदी हुई ज़मीन है और हमारे दादाजी अभी गुजर चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं और उसका हक हम जाया कर रहे हैं, तो हमें अपने दादा के नाम से जो है वंशावली बना करके हमारे जो है कितने दादा के लड़के हैं और हमें हमारे लड़के जो हैं मतलब हमारे दादा के कितने लड़के हैं वैसे करके जो है वंशावली इसमें दर्शाने हैं। साथ ही में इस प्रपत्र दो को कैसे भरेंगे विधिवत तरीके से हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो फेसबुक पेज पर भी कई सारे आप मेरे प्रोफाइल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही में प्रपत्र थ्री का यहाँ पे आपको जो है बात आती है, तो प्रपत्र थ्री यहाँ पे देख सकते हैं, प्रपत्र थ्री वन वंशावली यहाँ पे आप देखेंगे, प्रपत्र थ्री वन में आपको देखने को मिलेगा वंशावली अधिनियम धारा 1-5-1 का, ठीक है। अब इसमें दिया गया है उपरोक्त सभी चीज़ों को आपको एक एक डिप्ली कर करके आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस प्रपत्र को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको करना क्या होगा कि आप जो है करना क्या होगा, आप नीचे आएंगे और ये स्क्रॉल करके जैसे मैं नीचे आ जाता हूँ तो आप सेकेंड पेज पे, जैसे ये पहला पेज हमें देखने को मिल रहा है सेकेंड पेज, इसको डिप्ली भरेंगे। अगर आपको भरना नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पे आप विजिट करके आप जो है तमाम सारा वीडियो देख सकते हैं। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, इसके जस्ट पीछे आप अगर इस पेज को ये वाला पेज अगर आपको देखने को आपके पीछे अगर आपको देखने को आपको फॉर्म अगर नहीं मिला हुआ है तो इसका मैं पीडीएफ आपको अपने अपने मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस प्रपत्र को डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को भरें और यहाँ पे जो है सादा जो पेज आप देखने को मिल रहा है देख रह सकते हैं, वंश वृक्ष टेबल रैयत संधारित करें, तो यहाँ पे जो है आप अपना वंशावली स्केच कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ छोटा करके, देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज है ये फोर साइज, इस पर अपना अपना वंशावली आप जो है यहाँ पे दर्शा सकते हैं। और वंशावली दर्शाने के बाद से नीचे जो आपका वंशावली का ही प्रारूप दिया गया है कि आप इसमें जो है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा अगर फॉर्मेट में अगर आपको काम करना बन रहा है तो आप इसी का एक और कॉपी आप इसके नीचे लगा सकते हैं, इससे भी अधिक हो रहा है तो एक इसका और कॉपी आप नीचे लगा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की आपको वंशावली बनवाने की ज़रूरत नहीं, आपको एक और वंशावली का मैं सैंपल दिखा देता हूँ, पंचायत लेवल से किस लेवल का वंशावली बन रहा है जो कि काफ़ी लोग परेशान हैं और उस वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ वंशावली कैसे बन रहा है, देखिए सिंपली अगर आप किसी आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली आप किसी भी ऑनलाइन वाले दुकान पे चले जाएं और अपना वंशावली आपको स्केच करके रखे हैं तो सिंपली जाकर के ऑनलाइन वाली दुकान से आप बोलेंगे कि भैया मेरा एक वंशावली टाइप करके निकाल दो, तो आपका जो है इस तरह का आप जो है एक पेज पे सादे पेज पे आप अपने हिसाब से वंशावली बना करके और नीचे एक फॉर्मेट में जैसे ये स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा और छोटा सा स्पेस में आप क्या करें कि अपना सिग्नेचर उसमें कर करके स्वाभि प्रमाणित लिख करके सिग्नेचर और जो आपके हिस्सेदार हैं आपके इसमें रहदार जो तीन जैसे नीचे सबसे बट वृक्ष में जो नीचे लोग रहेंगे उन लोगों का तमाम सारे लोगों का यहाँ पे स्वाभि प्रमाणित करवा करके आप जो है अपने शिविर में इस फॉर्म को का और भी दस्तावेज के साथ जमा कर दें। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वंशावली हमें किस लेवल से बनवाने हैं, वंशावली के लिए हमें कहीं भटकने नहीं है और वंशावली के लिए हमें कोई शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपको किस तरह की आपको ना समझ हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपको पूरी हेल्प इस रिलेटेड आपको वंशावली से रिलेटेड हम देने का कष्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।